हेलो बच्चों, मैं उमेश सेनरा। आज आपके सामने मैं टाई कैसे बांधी जाती है इसके बारे में बताऊंगा। एक विधि मैं आपको टाई बांधने की बताने जा रहा हूं। अक्सर क्या होता है, बच्चे बस यहीं आकर के थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस तरीके से टाई बांधनी है। हमारी टाई के दो हिस्से हैं, एक चौड़ा है और एक थोड़ा छोटा है ना, पतला है। अब क्या करना है, लेफ़्ट साइड में इस ब्रॉड हिस्से को यानी चौड़े हिस्से को पकड़ना है और जो नैरो है वो राइट साइड में पकड़ना है, और इस तरीके से हमने गले में डाल लेना है। अब अपनी लेंथ के अनुसार आपको कितनी लंबी टाई रखनी है उसके अनुसार ही आपको खुद एडजस्ट करना पड़ेगा कि आपकी टाई बंधने के बाद में कितनी लंबी होनी चाहिए। अब देखिए, ये टाई मैंने अपनी लेंथ के हिसाब से लेफ़्ट साइड को थोड़ा नीचे कर लिया है और ये जो बारीक यानी पतला हिस्सा है नैरो इसे मैंने थोड़ा छोटा कर लिया है लेंथ के हिसाब से। अभी क्या करना है, इस छोटे हिस्से को नीचे रखेंगे और ये चौड़ा हिस्सा जो है इसके ऊपर रखेंगे, देखो, और दोनों को इस तरह क्रॉस में रखने के बाद में लेफ़्ट हैंड से इसको पकड़ेंगे और राइट हैंड से इस चौड़े हिस्से को कंप्लीट पीछे से लेते हुए बीच में से निकाल करके एक राउंड लगाएंगे। ये कंप्लीट राउंड मैंने लगाया और अब इसको थोड़ा टाइट करके यहाँ से और राइट साइड से मैंने ऐसे दबा लिया, लेफ़्ट साइड को फ्री कर लिया। अब इसको मैंने ब्रॉडी हिस्से को फिर पकड़ा और ऐसे आगे से बीच में से निकालते हुए और कंप्लीट राउंड मैंने इधर लेफ़्ट साइड में किया और आगे ला करके मैंने लेफ़्ट हैंड से इसको यहाँ से मजबूती से पकड़ लिया और अब राइट साइड को फ्री करके राइट हैंड को और मैंने इसे पीछे से लाने के बाद में इसे आगे से इस तरीके से अंदर डालते हुए इसको निकाला। अब देखिए, ये नीचे से थोड़ी टाई चौड़ी है तो मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा हल्का सा यहाँ से प्रेस कर दिया ताकि ये वी शेप यहाँ से हो जाए। राइट हैंड से मैंने पकड़ा और लेफ़्ट हैंड से ये जो छोटा हिस्सा इसे थोड़ा टाइट किया। अब हमारी टाई बन चुकी है। टाई कहाँ बंधनी है, कॉलर के नीचे। थोड़ा सा मैं इसे गीला कर लेता हूँ और कॉलर्स को ऊपर करने के बाद में टाई को मैं थोड़ा टाइट करता हूँ, देख लेता हूँ कि सही है और फिर कॉलर्स को मैं नीचे कर देता हूँ। ये अब मेरी टाई बंध गई है। थोड़ा सा चेक कर लेंगे कि कहीं टाई बाहर तो नहीं निकल रही है। अगर आप चेक नहीं कर सकते अच्छा रहेगा, शीशे के सामने खड़े होकर के मिरर के सामने खड़े होकर आप इसको एडजस्ट कर लें। अभी क्या है, ये जो छोटा हिस्सा है इसको मैं यहाँ शॉर्ट के अंदर डालूँगा। ये मैंने शॉर्ट के अंदर इसको डाल लिया है और ये ऊपर वाला हिस्सा मैंने फ्री छोड़ दिया है। आपके पास टाई का ब्रॉच भी है, टाई का पिन है तो टाई का आप पिन भी लगा सकते हैं ताकि आपकी टाई इधर उधर ना उड़े। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग हाउ टू नोट द टाई।